దేశంలో వలస కార్మికులకు తిప్పలు తప్పట్లేదు. పొట్టకూటి కోసం నగరాలకు వచ్చిన వారి ఉపాధిపై కరోనా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కరోనా కట్టడి కోసం అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్ కర్ఫ్యూ అమలు చేస్తున్నారు. చాలా మంది వలస కార్మికులు ఇప్పటికే సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోయారు. ఢిల్లీలో వరుసగా 5వ వారం లాక్ డౌన్ పొడిగించారు. లాక్ డౌన్ పొడిగింపులతో విసుగు చెందిన మిగిలిన వలస కార్మికులు కూడా సొంతూళ్ళకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఉపాధి లేక తిండికి ఇబ్బంది అవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. पटना जा रहे हैं आनंद विहार से, उसके बाद उधर जाएंगे झारखंड. डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है, इसके वजह से लॉकडाउन के कारण परेशानी उठाना पड़ रहा है. क्या करें, डायरेक्ट मिल नहीं रहा है. दो जगह टिकट बनवाए, परेशानी तो है ही. अब क्या बोले, कंपनी बंद हो गई हमारी. गुजारा तो दिक्कत ही है, लेकिन मैडम क्या किया जाए. अब गरीब आदमी का तो है ही परेशानी. जब लॉकडाउन का कोई टाइम नहीं है तो वापस आने का क्या सोचे. कभी दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी बोले थे जो 6 दिन का लॉकडाउन है, मजदूर भाई मत जाओ. नहीं जाते तो परेशानी तो है ही. रूम किराया देना ही है, राशन वाले को तो देना ही है, पेट तो मानेगा नहीं, घर पैसा भेजना ही है. तो जब यहाँ कमाई नहीं होगा तो घर क्या भेजे और क्या खाए यहाँ, बताओ. घर में बाल बच्चे हैं, भूखे तो रहेंगे नहीं. और यहाँ पे रूम किराया वाला छोड़ेगा नहीं पैसा वैसा. पैसा तो उनको चाहिए चाहिए. परेशानी सब मिला के मजदूर को ही, हम लोग को ही परेशानी है. अब पुलिस वाले डंडा भी मारता मजदूर को ही, ठीक है ना. अमीर आदमी पे आज तक कोई डंडा नहीं उठाया है. आंटी अब यहाँ काम बंद हो गया. गरीब आदमी, माँ का बहुत सीरियस इमरजेंसी है. लॉकडाउन लग गया, टिकट नहीं है, जा रहे हैं मजबूरी में. अभी हाल में अभी अब किए हैं. पैसा का बक्सा दिक्कत है. अब मैं अकेला हूँ, माँ का एकदम लास्ट पोजीशन सीरियस है.